नमस्कार भाई दोस्तों, अभी शायद पंजाब के बारे में और भी बहुत से राज खुलेंगे। आपने देखा होगा एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, वो आपने देख भी लिया होगा। नहीं देखे आज जिस साथी ने वो बता देना, भेज देंगे उसके पास। देखना जरूर उस वीडियो को, देख के और फिर उसको समझने की कोशिश करना। आप क्या सोचते हो, हमारे देश में डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी नहीं, हमारे देश के अंदर डिक्टेटरशिप है, जो हर 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में बदली होती रहती है, लेकिन बैठते वही तानाशाह हैं जो अपने डिक्टेटरशिप के कारण हमारे ऊपर राज करते हैं। ये राज कैसे कर पाते हैं? क्या हम आज भी आजाद नहीं है? क्यों आजाद नहीं हो पा रहे हम? एक भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया था, बोले हम नेता मंत्री होते हैं ये कुछ 100 200 500 कुछ संख्या में होते हैं, जबकि हमारे देश में करोड़ों की संख्या में लोग रहते हैं, फिर ये कैसे हमारे को दबा देते हैं? इसका भी आज आपको कारण बताएंगे। ये कैसे हमारे को दबाते हैं, कैसे हमारे को उलझाते हैं? हमारे को मकड़ी के जाल में उलझा दिया जाता है। जब तक हम इस मकड़ी को ही पकड़ के साफ नहीं करेंगे, ये जाले लगते रहेंगे, ये जाले इसी तरह से लगते रहेंगे और हम इन जालों में उलझते रहेंगे। कभी हम जमीन बचाने चल दिए, कभी हम पानी के लिए चल दिए, कभी स्कूल बंद हो रहे हैं, कभी हॉस्पिटल बंद होने लग जाएंगे, क्या हम ही नहीं उलझते रहेंगे? जबकि हमारे को मकड़ी को साफ करना चाहिए। जब तक मकड़ी को नहीं हटाओगे, हमारे घर के अंदर जाले लगते रहेंगे। इस चीज से जो साथी सहमत हो कमेंट करके बता देना। ये मकड़ियां ना, जो जाले लगाने वाली मकड़ियां हैं हमारे सूबे में, हमारे राज्य में, जो ये जाले लगाते रहते हैं, इन मकड़ियों से आपको सावधान होना पड़ेगा। अगर आप सावधान नहीं हुए तो ये समझ जाना कि आप इन्हीं जालों में उलझते रहोगे, फिर आप लड़ते रहना, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ते रहेंगे। समझना पड़ेगा इस बारे में ध्यान से। एक रिटायरमेंट थानेदार का, पंजाब के का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, आपने भी देखा होगा, नहीं देखा दिखा देंगे। तो बोल रहा है कि जो अमृतपाल सिंह खालसा के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं, और जो मंत्री लगा रहा है, उस मंत्री ने हमारे सामने भी एक पुलिस वाले पर झूठे आरोप लगा के उस पुलिस वाले को पिटवाया था। आपको पता है इसी को गुलामी कहते हैं। ये थानेदार साहब अगर चाहता तो उसी समय पर भी बता सकता था। नंबर एक बात, उस समय पर क्यों नहीं बता पाया? नौकरी की गुलामी, नौकरी की गुलामी के कारण है। और ये मत समझना नंबर किसी का नहीं आएगा, नंबर सबका आएगा। कहीं ये खुश हो जाए कि चलो हम तो नेताओं की गुलामी कर रहे हैं, हमारा क्या नंबर आएगा? नंबर सबका आएगा और बराबर तरीके से आएगा। प्रसाद सबको मिलेगा, भूलना मत, प्रसाद सबको मिलेगा। लेकिन जो ये प्रसाद देने की तैयारी करते हैं, ऐसा ही हल्का मुद्दा। आपने कभी एक चीज सोची है, 1947 से लेकर, जब से देश को आजाद घोषित किया गया, आजादी से लेकर आज 2022 तक, हर बार कैसे नए नए मुद्दे उठते रहते हैं और उन मुद्दों में हम उलझते रहते हैं। लेकिन एक विशेष वर्ग है जिसने कभी आंदोलन नहीं किया, कभी आंदोलन नहीं किया, ना किसी आंदोलन में पार्ट लिया, और हर बार बड़े बड़े उन पदों पर जाकर बैठ जाता है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है। कभी सोचा है इस बारे में? सोचना, घुमा के देखना, आसपास में नजर घुमा के देखना कि उस वर्ग को आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं है। कभी जाट आंदोलन कर रहे हैं, कभी गुज्जर आंदोलन कर रहे हैं, कभी राजपूत आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन एक विशेष वर्ग को कभी आंदोलन करते आपने देखा भी नहीं होगा, और देखोगे भी नहीं, देखोगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि बगैर कहे वो अपने अच्छे से अच्छे पद पर जाकर बैठ जाते हैं, बड़े बड़े पदों पर आसीन रहते हैं, उनके हाथ में होता है डिक्टेटरशिप में क्या कानून पास करना, वो कानून आराम से पास करते रहते हैं। इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। अब ये फिर एसवाईएल का मुद्दा उठ रहा है। एसवाईएल का मुद्दा तो कभी भी शांत हो सकता था, केंद्र में कांग्रेस थी, पंजाब में कांग्रेस थी, हरियाणा में कांग्रेस थी, क्या एसवाईएल का मुद्दा नहीं सुलझ सकता था? सुलझ सकता था, लेकिन फिर वोट कैसे मांगते, फिर हमारे लोगों को आपस में कैसे लड़वाया जाता? इन चीजों पर फोकस क्यों नहीं करते आप? इन चीजों पर फोकस करो, अरे नहीं तो अगर ज्यादा ही टेंशन है, हरियाणा और पंजाब के लोग रेफरेंडम करवा लो। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, अगर पंजाब पानी नहीं दे पा रहा तो पंजाब के पास कौन सा पानी है? क्यों नहीं दे पा रहा, उस कारण के ऊपर कभी बात नहीं होती। हरियाणा को पानी की जरूरत है तो दे दो, मनुक नहर का दे दो, गंगा का पानी मोड़ के ले आओ। एक तरफ तो आप कहते हो पाकिस्तान वाला पानी मोड़ जाएंगे, चलो वो तो कानून के आधार पर आप नहीं कर सकते, लिखित में कानून है उसका, तो गंगा का पानी तो ले सकते हो, मनुक नहर का पानी तो हरियाणा को दे सकते हो, लेकिन नहीं, आपको लड़वाना है। लड़वाना कैसे, सत्ता कैसे ली जाएगी? फिर सत्ता तो ऐसे ली जाएगी ना, एक तरफ ये दिखाते थे कांग्रेस ने झूठे एनकाउंटर करवा दिया, करने वाले कौन थे? करने वाले कौन थे? करने वाले भी तो हमारे ही थे ना, लेकिन हम इन चीजों को कभी समझेंगे नहीं। हम क्यों समझेंगे? क्योंकि हमारे को तो मुद्दे चाहिए, नए नए मुद्दे चाहिए। कोई मुद्दा नहीं हमारा, हमारा मुद्दा हमारा संयुक्त पंजाब एक करो। हम मिलकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे, मिल के लड़ेंगे और जीत हासिल करके दिखाएंगे। जिस दिन आपके दिमाग में यह चीज बैठगी, एसवाईएल, चंडीगढ़, यह कोई मुद्दे ही नहीं है, कभी पानी के लिए लड़ लिए, कभी स्कूलों के लिए लड़ लिए, लड़ने वाली जो कौम है उनको बर्बाद किया जा रहा है, उनको नए नए मुद्दे देके और मकड़ी वाले जाले में उलझाया जा रहा है। मकड़ी की गर्दन कब पकड़ना सीखोगे? मकड़ी को जब तक साफ नहीं करोगे,
तब तक आपका घर सुरक्षित नहीं है, ऐसे ही जाले लगते रहेंगे और उन जालों को हटाते रहना। हम सोचते हैं जाला हटा रहे हैं, हम सफाई कर रहे हैं, वो जाला हटाने के चक्कर में और ज्यादा जो पीछे जाले लगते आ रहे हैं उनको कौन देखेगा, उनको कौन देखेगा? ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। झूठा केस लगाया लखा से दाणा के ऊपर, वो सामने आ गया। अब इनके ऊपर लगाया जा, ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया। अब आजकल एक नया सिस्टम और चला गया, आपकी फेसबुक की रीच डाउन कर दी जाएगी। हाथ में है इनके में सब कुछ, सोशल मीडिया हाथ में है इनके में, सोशल मीडिया जब चाहेंगे वो कर लेंगे, चाहे यूट्यूब को भी डाउन कर देंगे, फेसबुक को डाउन कर दो, तब आप क्या करोगे? इसलिए फोन नंबर जारी किया जाता है ताकि एक दूसरे से संपर्क कर सको आप। वो फोन नंबर इसलिए जारी किया जाता है, आप सबको मेरे नंबर का पता है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना, रिक्वेस्ट है फोन मत करना, मैं नहीं उठा पाऊँ बुरा मत मानना, लेकिन व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ देना, आपके मैसेज का जवाब दिया जाएगा। 9518883630 9518883630 यह है व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर मैसेज कर देना, आपके मैसेज का रिप्लाई मिलेगा। जो साथी सहमत है कि यहाँ संयुक्त पंजाब एक होना चाहिए, जब तक हम मिलकर नहीं लड़ेंगे तब तक हमारे को जीत मिलेगी ही नहीं, और विशेष तौर पर हरियाणा पंजाब को एक होना पड़ेगा अब विशेष तौर पर, क्योंकि इनको लड़वाने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। इन लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, होना पड़ेगा, हमें हमारा संयुक्त पंजाब चाहिए, ये मांग आपको रखनी पड़ेगी। जिस आती समझ में आ जाता है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लेना। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है भाई, जब कहोगे जहाँ पे कहोगे आपके लिए उस आवाज़ को उठाया जाएगा। वीडियो को शेयर करने का काम आपका है, सच्चाई बताने का काम हमारा है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को शेयर आप करना, सच्चाई आपके सामने रखेंगे, लेकिन हमें हमारा संयुक्त पंजाब चाहिए, ये चीज़ जरूर याद रखना।